हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक चक्रवृद्धि ब्याज पार्ट टू। तो सभी स्टूडेंट्स से उनसे गुजारिश है जिन्होंने अभी तक पार्ट वन नहीं देखा है कि वो एक बार पार्ट वन देख लें, उसके बाद इस पार्ट को देखें, क्योंकि इस चैप्टर का जो बेसिक है वो पार्ट वन में करवा दिया गया है। अब पार्ट टू और पार्ट थ्री में हम इसके ऊपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और बुक आपके पास होगी, उसमें से आप क्वेश्चंस रीड कर सकते हैं, नहीं तो एप्लीकेशन में आपको डॉक्यूमेंट्स में मिल जाएगा, पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके भी क्वेश्चंस देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड कीजिए। 45,000 रुपये पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज उपचित होगा? व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ रुपीज 45,000 आफ्टर 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। तो देखिए गाइज, आपको मैंने पार्ट वन में इस तरह के क्वेश्चंस करने के 4 तरीके बताए थे। अब पार्ट टू पार्ट थ्री में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें मैं चारों तरीके आपको नहीं बताऊंगा। आपको चारों तरीके देखने हैं तो पार्ट वन देख लीजिए। अब जो भी छोटे से छोटा तरीका होगा हम उसको फॉलो करेंगे और क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करेंगे। तो 45,000 रुपये पे 15% के हिसाब से 2 वर्ष का ब्याज, तो देखिए 15% 1 साल का है और 2 साल का निकालने के लिए मैंने आपको ये फॉर्मूला भी बताया था एक तरीके से, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। और नहीं तो ये भी बताया था कि 15 और 15 30 और 15 का वर्ग 225 यानी 2.25 यानी 32.25 आ जाएगा। अगर वर्बली नहीं कर पा रहे हो तो x की वैल्यू यहाँ पे 15, y की जगह 15 प्लस 15 इंटू 15 बटे 100। तो 15 और 15 30 प्लस 15 225 बटे 100, तो 30 प्लस 2.25 यानी 32.25। अब 45,000 रुपये का 32.25% निकाल लीजिए। 45,000 रुपये मूलधन है, इसका 32.25 निकाल लीजिए, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ठीक है, 2 जीरो पॉइंट हटाओगे तो नीचे 2 जीरो और लगेंगे, 1 2 3 1 2 3, 5 से काटा 5 2 10, 5 से काटा 5 9 45, 9 से का गुणा करोगे 9 5 45 का 5 का हासिल लगे 4, 9 2 18 और 4 22 का 2 का हासिल 2, 9 2 18 और 2 20 की 0 हासिल 2, 9 3 27 और 2 29, 2 से भाग कर दीजिए, 2 से काटोगे 14 2 28 बचा 1, 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4, 1 2 5 10। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 14,512.5। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया, और आप दूसरे तरीके से करना चाहो तो दूसरे से भी कर सकते हो, वो भी देख लेते हैं। 45,000 रुपये है, इस पे आप क्या करोगे, पहले वर्ष का ब्याज निकालोगे, जो कि थर्ड मेथड आपको बताया था। 45,000 रुपये पे 15% का पहले वर्ष का ब्याज निकालोगे, तो पहले वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा, 0, 15 5 75 का 5 का हासिल लगे 7, 15 4 60 और 7 67, फिर 6,750 इसमें जोड़ दो, 45 और 6 51,750, फिर इसका 15% निकाल लो, 0 से 0 कट गए, 15 5 75 का 5 का हासिल लगे 7, 15 7 105 और 7 112 का 2 का हासिल 11, 15 1 15 और 11 26 का 6 का हासिल 2, 15 5 75 और 2 77, 10 से भाग करेंगे तो 1 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, इनको जोड़ोगे तो ये पॉइंट के बाद इधर तो कुछ है ही नहीं तो 0.5 ही आएगा, फिर 2 6 और 5 11 का 1 का हासिल 1, 7 और 7 14 और 1 15 का 5 का हासिल 1, 7 6 13 और 1 14 512.5। ये हो गया आपका थर्ड मेथड से। अगर आप इसको फोर्थ मेथड से करना चाहो तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पहले वर्ष का ब्याज तो आप निकालोगे यही आएगा 6,750, फिर ब्याज के ऊपर ब्याज निकालना था, 6,750 का 15% निकाल लो, 0, 15 5 75 का 5 का हासिल लगे 7, 15 7 105 और 7 112 का 2 का हासिल 11, 15 6 90 और 11 101, 10 से भाग करेंगे पॉइंट, प्लस मूल इससे पहले वाले वर्ष में कितना था 6,750, ये भी इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये फिर 0.5, 2 और 0 2, 5 और 1 6 7, 6 और 1 7, इनको भी जोड़ोगे तो वही आ जाएगा 14,512.5।
5। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे भी करना चाहो कर सकते हो। 3-4 तरीके हैं जो आपको कंपटीशन एग्जाम जब पेपर में बैठे हो जो माइंड में आ जाए उससे कर दो। ये मत सोचो कि पहले से करूं या दूसरे से करूं या तीसरे से करूं, मेथड सारे के सारे आपके माइंड में फिट होने चाहिए। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन रीड कर लीजिए। 10,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4%, द्वितीय वर्ष 5% तथा तृतीय वर्ष 6% हो। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4% पर एनम फॉर फर्स्ट ईयर, 5% पर एनम फॉर सेकेंड ईयर एंड 6% पर एनम फॉर थर्ड ईयर, देन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 फॉर 3 ईयर्स विल बी। तो 10,000 रुपये है, थर्ड मेथड का प्रयोग कर दीजिए, लगा दीजिए, क्योंकि वही मेथड सबसे आसान पड़ेगा इसमें। 4% के हिसाब से आप पहले वर्ष का ब्याज निकाल लोगे, क्योंकि दर कितनी दे रखी है आपको, पहले 4 फिर 5 फिर 6, 3 वर्ष तक निकालना है। तो पहले वर्ष का कितना आ जाएगा, 400 रुपये, मूलधन 10,000 है, 400 रुपये। अब 400 आप इसमें जोड़ दोगे तो 10,400 पे फिर 5% निकाल लोगे, 5% निकाल लीजिए कितना आ गया, 520 इसमें जोड़ दीजिए, 10,920.20 × 5/100, 0 से 0 कट गई, 5 से काटा 5 दूनी 10, 2 5 10, 2 4 8, 1 2 6 12, 546। इन सबको जोड़ोगे तो 6 4 और 2 8, 5 और 5 10 और 4 14, 1486। देखिए इसमें कहाँ गड़बड़ हुई है, 10,000 रुपये पे 4 वर्ष का 4% के हिसाब से आंसर अलग आ रहा है, 4% के हिसाब से 400 इसमें जोड़ दिया 10,400 पे, फिर 5%, क्योंकि दूसरे वर्ष दर 5% है, कितना आ जाएगा, 520 इसमें जोड़ दिया 10,920 × 6%, सॉरी यहाँ पे दर कितनी है आपकी, 6% है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, क्योंकि तीसरे वर्ष 6% दर दे रखी है। 10,920 × 6/100, 0 से 0 कट गई, 6 दूनी 12 का 2 का हासिल 1, 6 9 54 और 1 55 का 5 का हासिल 5, 6 0 0 5, 6 1 6, 10 से भाग करेंगे तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। इसके बाद इनको सबको जोड़ोगे तो लास्ट में पॉइंट 2 देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो पॉइंट 2 आपको थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन भी हम लिख देते हैं। पहला ऑप्शन 1600 रुपये है, दूसरा ऑप्शन है आपका 1625.80, तीसरा ऑप्शन 1575.20, फोर्थ ऑप्शन 2000। तो यहीं से देख लीजिए पॉइंट 2 दिए लास्ट में किस ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में, और पूरा का पूरा जोड़ना है तो पूरा भी जोड़ सकते हो आप, 5005, 5 और 2 7, 6 और 5 11 और 4 15। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 1575.2। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन रीड कर लीजिए। 1,60,000 रुपये का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से छमाही दे चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1,60,000 फॉर 2 ईयर्स एट 10% पर एनम व्हेन कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो देखिए गाइज आपको मैंने पार्ट वन में बताया है कि अगर अर्धवार्षिक संयोजित होता है, सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली, तो हम क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करेंगे, आधा कर देंगे, और टाइम को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। तो यहां पे भी वही है, इसने कहा है 10% वार्षिक दर है, तो 10% अगर ब्याज की वार्षिक दर है तो इसको आधा करेंगे तो दर कितनी हो जाएगी, 5%। क्लियर। समय कितना हो जाएगा, 2 वर्ष इसने दे रखा है तो 2 का डबल हो जाएगा, यानी 4 बार लेना पड़ेगा। तो अब 5% के हिसाब से आपको 1,60,000 रुपये पे 4 वर्ष का निकालना है, 1,60,000 रुपये पे 5% के हिसाब से 4 वर्ष का। तो पहले वर्ष का कितना हो जाएगा, 16 × 5 = 80, 8,000, ठीक है। अब देखो 8 8 8, लगभग 8 × 4 = 32, 32 से तो ऊपर ही जाएगा, 32 के आसपास, तो ये वाला ऑप्शन तो यहीं पे गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद अब ब्याज के ऊपर ब्याज निकालना चाहो तो उससे भी कर सकते हो, 8,000 रुपये पे फिर 5% के हिसाब से, फोर्थ मेथड जो आपको बताया था, 8 × 5 = 40, 400 ये, 400 तो इस पे और 8,000 ये, तो 8,000 और 400 दोनों को जोड़ोगे ना तो कितना आ जाएगा दूसरे वर्ष का, 8,400। क्लियर यहां तक। अब तीसरे वर्ष में क्या करेंगे, 8,400 पे फिर 5% निकालेंगे,
ये चैप्टर बहुत सिंपल है। लोग बाग सोचते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज भारी टॉपिक है, कोई भारी नहीं है। पाँच चौक 20 की जीरो हासिल लगे 2, 5 8 40 और 2 42 प्लस 8400 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 8820। फिर 8820 पे आप निकालोगे 5% के हिसाब से, 0 5 दूनी 10, 2 से काटा 441, 441 प्लस 8820 जोड़ोगे तो इसमें यूनिट प्लेस क्या आएगा 1, और इन सब को जब आप जोड़ोगे तो यूनिट प्लेस क्या आएगा 1, और यूनिट प्लेस 1 किस ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में अब इसने बस इतना कर दिया है, 1,60,000 की जगह 16,000 कर दिया है। 16,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज त्रैमासिक संयोजित होता हो। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 16,000 एट 20% पर एनम फॉर ए मंथ्स कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो पहले इसके ऑप्शन लिख लेते हैं। देखो ऑप्शन बहुत जरूरी होते हैं आपके कंपटीशन एग्जाम में, क्योंकि ऑप्शन से आधी कैलकुलेशन आपकी कम हो जाती है। 2530, 2524, 2522 और डी ऑप्शन 2518। अब इसने कहा है 16,000 रुपए पर 20% वार्षिक दर से और त्रैमासिक संयोजित होता है, तो इसलिए दर क्या हो जाएगी 1/4, यानी 20% को क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 5%। समय कितना दिया हुआ है इसने 9 माह, तो 9 माह का 4 गुना करेंगे यानी 36 माह का मतलब 3 वर्ष, यानी 5% के हिसाब से मुझे 3 वर्ष का ब्याज इसमें फाइंड करना है। तो कर दीजिए, 16,000 पे पहले 5% के हिसाब से निकालोगे कितना आ जाएगा 16×5=80 यानी 800, फिर 800 इसमें जोड़ दीजिए, थर्ड मेथड से कर लीजिए या फोर्थ मेथड से कर लीजिए। तो 800 इसमें जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा 16,800, थर्ड मेथड का यूज कर लेते हैं इस क्वेश्चन में। ये कट गया, 5 8 40 की जीरो हासिल लगे 4, 16×5=80 और 4 84 840, 840 इसमें जोड़ दोगे तो 40, 8 और 8 16 का 6 का हासिल 1, 16 और 1 17 × 5/100, 0 से 0 कट गई, 5 से काटा 5 दूनी 10, 2 से काटा 2 8 16, 1 2 8 16, 2 दूनी 4 882। अब इसमें भी जब आप तीनों को इनको जोड़ोगे तो 2 0 0 तो इकाई अंक क्या आ जाएगा 2, और इकाई अंक 2 कौन से ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 रीड कर लीजिए। अर्धवार्षिक रूप में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 12% वार्षिक दर से 2500 रुपए की धनराशि कितने वर्ष में 2809 रुपए हो जाएगी। इन व्हाट टाइम विल रुपीज 2500 अमाउंट टू रुपीज 2809 एट 12% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सेमी एनुअली यानी अर्धवार्षिक, और अर्धवार्षिक में क्या होगा 12% की जो दर है वो क्या हो जाएगी आधी यानी 6%, और समय पूछा है इसने, समय अगर n है तो वो दुगना हो जाएगा यानी अब 2n होगा। अब देखो इसको आप वर्बली कर सकते हो क्योंकि इसने कहा है 2500 रुपए, 2500 और ये हो कितने गए 2809, तो कितने रुपए ब्याज लगा 309 के आसपास, और 2500 का अगर आप 6% निकालोगे तो 2500 का 6% कितना आता है लगभग 150 रुपए, तो 150 रुपए एक वर्ष में हुआ तो 300 के आसपास कितने वर्ष में होगा 2 वर्ष में, यानी 2 वर्ष कब आया जब हमने समय को दुगना किया, तो 2n = 2, तो n बराबर कितना आ जाएगा 1। तरीके से करोगे, फॉर्मूला लगाओगे, लेंथी पड़ेगा, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चंस आप लगभग से करने की कोशिश करें क्योंकि ऑप्शन दूर दूर है, 1 वर्ष 1.5 वर्ष 3 वर्ष इस तरीके से ऑप्शन है, 2.5 वर्ष, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब कभी ये नहीं देगा वो ऑप्शन में कि 1 वर्ष 1/4, 1/5 वर्ष, 1/6, ऐसे ऑप्शन कभी भी कंपटीशन एग्जाम में नहीं आते हैं, तो इसलिए आप लगभग का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6,
12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 125,000 रुपए की धनराशि कितने समय में 1488877 हो जाएगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप में संयोजित हो। In what time will rupees 1,25,000 amount to rupees 1,48,877 at 12% per annum compounded semi-annually? तो देखिए इसमें आपको टाइम निकालना है, तो टाइम अगर आप तरीके से करने बैठो, इसमें 12% है, अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है तो कितना हो गया ये 6%, 125,000 है, क्लियर। और दूसरे में कितना है 1,48,877। अब इसमें आप लगभग भी निकालोगे तो देखो इनमें डिफरेंस निकालने में टाइम लग जाएगा। ध्यान से सुनना जो जो मैं बोलता जा रहा हूं। पिछले क्वेश्चन में मैंने डिफरेंस निकाला, छोटा सा क्वेश्चन था। अब यहां पे क्या होगा, आप ये देखो 1,25,000 क्या बन रहा है, क्यूब बन रहा है, किसी ना किसी का क्यूब बन रहा है, तो इसलिए पावर में क्या जाएगा, 3 जाएगा, और पावर में 3 जाएगा, और ये अर्धवार्षिकता तो दर आधी हो गई और समय क्या होगा दुगना, यानी 2n, तो 2n बराबर पावर में क्या जा रहा है 3, तो इसलिए 2n बराबर क्या होगा 3 और n बराबर क्या होगा 1.5 वर्ष। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1.5 वर्ष। अब आपको ये लग रहा होगा सर तो हवा में करा रहे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आप तरीके से करके देखो, तरीके से बताता हूं। तरीके में क्या है, आप मिश्रधन लिखते हो, मिश्रधन का फॉर्मूला, मिश्रधन इज इक्वल टू p इनटू 1 प्लस r बाई 100 की पावर n। ए का मान कितना है 1,48,877, मूलधन ये नीचे आएगा मूलधन वाला पार्ट, यानी 1,25,000 बराबर 1 प्लस आर कितना हो गया यहाँ पे 6/100, और एन की जगह क्या हो गया 2n, 2 से काटा 2 तीय 6, 2 से काटा 50, तो 50 × 50 और 3 53/50 की पावर 2n। तो अब ये देखो आप 1,25,000 ये 50 का क्या बन रहा है क्यूब, 50 का क्यूब है ना ये, जब ये 50 का क्यूब है तो इसका क्यूब ये बनेगा ही बनेगा, गारंटी 101%। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, अगर इसका क्यूब ये बन रहा है तो इसका क्यूब ये बनेगा ही बनेगा, यानी आप ये क्या लिखोगे, ये 53/50 का क्या बन जाएगा क्यूब बनेगा। तो ये आधार बराबर है कट जाएंगे तो 2n बराबर क्या हो गया 3 और n बराबर क्या हो जाएगा यहां से 1.5 वर्ष। तो तरीके से करोगे तब भी 1.5 आएगा, लेकिन आपको इस तरीके पे जाने की जरूरत नहीं है, कंपटीशन एग्जाम क्लियर करना है आपको, कोई 9th-10th क्लास के एग्जाम नहीं देने हैं कि स्टेप मार्किंग है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको इस तरीके पे नहीं जाना है, क्योंकि आपको 9th-10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम नहीं देने हैं कि आपको स्टेप मार्किंग करनी है, कि हाँ भैया स्टेप मार्किंग होगी, एक एक लाइन लिखनी है, कॉपियां भरनी है, वो काम नहीं होता है कंपटीशन एग्जाम्स में। और इसलिए मैं एकेडमी वालों को तो कभी पढ़ाता ही नहीं, 9th-10th क्लास को मैंने आज तक नहीं पढ़ाया। मेरे पास इतने ऑफर आए कि सर एकेडमिक में पढ़ा लीजिए, लेकिन क्योंकि एकेडमिक में पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे लेंथी तरीके पढ़ाने पड़ेंगे, और लेंथी तरीके पढ़ाने पड़ेंगे तो फिर आप लोगों का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। और अगर उनको मैंने पढ़ा दिया शॉर्टकट तरीके से तो उनका नुकसान हो जाएगा, इसलिए एकेडमिक वाला टीचर जो है वो कंपटीशन एग्जाम में मुश्किल, और कंपटीशन एग्जाम वाला एकेडमी में, मेरे अनुसार। तो बाकी पढ़ाते हैं लोग बाग, अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अच्छा इससे पिछले वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें भी आप लगा देख सकते हो, उसने मूलधन कितना दिया था 2500 और मिश्रधन कितना बोला था 2800, तो वहां पे भी देखो 2500 क्या बन रहा था, एक तरीके से स्क्वायर बन रहा था, और स्क्वायर बन रहा था तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे वहां पे भी 2n बराबर 2 तो n बराबर 1। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप ये देख लीजिए कि पावर में 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, कहीं ना कहीं ऐसी पावर आएगी, पूर्ण वर्ग, पूर्ण घन, पूर्ण, कहीं ना कहीं पावर 4, कहीं ना कहीं पावर 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, 1,000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा? The difference between simple interest and compound interest of rupees 1,000 for 2 years at 5% per annum। देखिएगा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 5% अगर साधारण ब्याज है 2 वर्ष का तो कितना हो गया, 5% के हिसाब से 2 वर्ष का 10%, और चक्रवृद्धि ब्याज मैंने आपको बताया था 5 + 5 + 5 × 5/100 यानी 0.25, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 0.25%। तो आप डायरेक्ट 1,000 रुपए का 0.25% निकाल लीजिए, 2.5 रुपया आंसर आ गया। इस तरीके से सिंपल वे में आप वर्बली आंसर दे सकते हो, कोई कॉपी पेन की जरूरत नहीं है, आपको बोर्ड पे समझाना है बोर्ड पे भी समझा देते हैं,
5%, 2 वर्ष कितना हो गया 10%। ये क्या है? सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहती है। उसके बाद जो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो मैंने आपको लिखवाया था एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100। तो इसको सोल्व करोगे ये आएगा 10.25%। और इसने इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 0.25%। तो 1000 रुपए का 0.25% निकाल लीजिए, 2 जीरो ये कट गए। 0.25 की गुणा 10 में करोगे तो 10 से किसी भी संख्या में गुणा की जाती है तो ये पॉइंट हमेशा राइट हैंड साइड में दाईं तरफ खिसक जाता है। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2.5 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 रीड कर लीजिए। सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल टॉपिक है, कोई भारी नहीं है। आप खुद अपने माइंड में से बना लेते हो कि हाँ चैप्टर भारी है। आप मेरे तरीके से करोगे इस चैप्टर को तो आसान ही आसान मिलता जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि 1 वर्ष के अंत में 650 रुपए तथा 2 वर्ष के अंत में 676 रुपए हो जाएगी। What sum at compound interest will amount to Rs. 650 at the end of the first year and Rs. 676 at the end of the second year? तो guys, आपको ये चीज मैंने बताई थी कि पहले वर्ष का जो मिश्रधन होता है वो दूसरे वर्ष के लिए मूलधन का काम करता है। तो पहले वर्ष का मिश्रधन, पहले वर्ष का अमाउंट कितना हो गया 650 रुपए और दूसरे वर्ष का मिश्रधन कितना है 676। तो ब्याज कितने रुपए लगा यहाँ पे 26 रुपए। 26 रुपए का ब्याज मिल रहा है आपको 650 रुपए पर। पहले कितना था 650, फिर 676, कितने रुपए का ब्याज मिला 26 रुपए का। 26 रुपए का ब्याज मिल रहा है 650 रुपए पर, तो 26 रुपए 650 का कितना परसेंट हुआ? यहां से आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दर निकल के आएगी। जीरो से जीरो काट दीजिए, 13 5 65, 13 2 26, 5 2 10, तो दर कितनी हो गई 4%। अब इस क्वेश्चन में लेकिन दर नहीं पूछी है, अगर दर पूछता तो आपका आंसर क्या होगा 4%। अब इसने इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मूलधन कितना है, कौन सी धनराशि प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। तो 4% ब्याज है तो 1 साल का मिश्रधन कितना हो जाएगा 104%, क्योंकि 100% मूलधन होता है और 4% ब्याज है तो मिश्रधन कितना हो गया 104%। और 1 साल का मिश्रधन कितना दे रखा है 650 रुपए, तो हम कह सकते हैं कि 104% बराबर 650 रुपए। और हमें मूलधन निकालना है तो 100% बराबर कितना 650 बटे 104 गुणा 100, एक नियम 13 8 104 13 5 65 50 4 2 8, 4 से काटा 25, 2 से काटा 25, 25 गुणा 25 625। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 625 रुपए। अब आपको अगर किसी और तरीके से भी करना हो तो इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अगर फॉर्मूले से करना है कि अगर कभी भी मान लीजिए 1 वर्ष का अंतर दिया हुआ है आपको, ठीक है ना, 1 वर्ष का अंतर दिया हुआ है, 1 वर्ष और 2 वर्ष वाला क्वेश्चन कभी भी आता है, तो मूलधन निकालने का फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, पी इज इक्वल टू ए वन स्क्वायर अपॉन ए टू। ए वन कितना है 650, ए टू कितना है 676। आप इसको सोल्व करोगे तो यहां से भी आंसर आ जाएगा आपके पास, 13 से काटा 13 5 65, 2 13 2 26, 13 5 65 50, 13 4 52, 13 5 65 50, 2 से काटा 2, 2 से काटा 25, 2 से काटा 25। तो अगर आप फॉर्मूला याद रखना चाहे 1 वर्ष और 2 वर्ष के लिए तो ये फॉर्मूला होता है मूलधन निकालने का। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 625 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। 10% वार्षिक दर 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपए हो तो वह धनराशि कितनी होगी? The difference between simple and compound interest compounded annually on a certain sum of money for 3 years at 10% per annum is Rs. 620. The sum is, आपको मूलधन ज्ञात करना है 10% के हिसाब से। देखिए पार्ट वन में जो क्वेश्चंस कराए थे मैंने, समय, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के क्वेश्चंस के अंतर वाले जो क्वेश्चन थे वो मैंने फॉर्मूले से भी कराए थे और लॉजिक से भी कराए थे, लेकिन अब जो मैं कराऊंगा वो फॉर्मूले का यूज नहीं करूंगा, ठीक है। जो मुझे सिंपल लगेगा, फॉर्मूला सिंपल लगेगा फॉर्मूले से करा दूंगा, लॉजिक सिंपल लगेगा लॉजिक से करा दूंगा, जो भी आपके माइंड में पहले आ जाए उससे कर सकते हो। अब देखिए इसने 10% का 3 वर्ष के लिए, 10% के हिसाब से 3 वर्ष में अगर देखोगे तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 30%, ठीक है। और 10% के हिसाब से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है 10 + 10 + 10 × 10 / 100 यानी 21%। और 21 का फिर 10 के साथ निकालोगे तो वो आएगा 33.1। 10% 10%
10%। देखो ये 10% वाला आप याद रख लेना, क्योंकि क्वेश्चन 99% जो क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन एग्जाम में, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन आते हैं तो 10% से लेकर के करता है वो, ठीक है। तो 10% के लिए अगर दो वर्ष का पूछा जाता है तो ये 21% आता है सोल्व करके। आप इस फॉर्मूले का यूज करते हो, 10 + 10 + 10 × 10/100। इसको जब सोल्व कर लेते हो तो 10 और 10 = 20, 1 × 1 = 21%। फिर इस 21 का इस 10 के साथ आप निकालते हो तो 21 + 10 + 21 × 10/100, 21 और 10 = 31 + 2.1, तो ये कितना हो गया 33.1%। तो 10% वाला गाइस ध्यान रखना, याद रखना, दो वर्ष के लिए कितना 20% हो जाए, 21% हो जाएगा, और तीन वर्ष के लिए कितना हो जाएगा 33.1। अब 33.1 चक्रवृद्धि ब्याज है, 30% क्या है आपका साधारण ब्याज, तो डिफरेंस कितने का हो गया दोनों में 3.1% का, और इसने दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है 620 रुपए। तो हम कह सकते हैं कि 3.1% बराबर 620 रुपए, और हमें मूलधन निकालना है तो 100% बराबर कितना 620 / 3.1 × 100। पॉइंट हटाएंगे, जीरो लगाएंगे, 31 × 62, तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 20,000 रुपए। और अगर आप फॉर्मूले से करना चाहो तो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था पार्ट वन में, P = 100³³/R²R + 300 × D। इस फॉर्मूले का यूज करके भी आप आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 रीड कर लीजिए। एक राशि पर तीन वर्ष के अंत में 15% वार्षिक दर से उपचित चक्रवृद्धि ब्याज 6552 रुपए है, राशि कितनी है? तो गाइज राशि पूछी है, डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए, और करना क्या है आपको। एक राशि पर, 11वां क्वेश्चन इंग्लिश में भी रीड कर देते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर्स एट द रेट ऑफ 15% पर एनम इज 6552 द सम इज, आपको मूलधन ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा आप फॉर्मूले का यूज कर लीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला आपको लिखवा रखा है P × 1 + R/100 → n-1 लिखवाया है। 6552 = P आपको फाइंड करना है। अभी इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको दूसरा तरीका भी बताएंगे जिससे और जल्दी हो जाएगा। 1 + R/100, R कितना है इसमें 15% / 100 / n, n कितना है, टाइम कितना दिया हुआ है आपको 3 वर्ष - 1। इसको सॉल्व करेंगे, 6552 = 5 से काटा 15, 5 से काटा 20, 20 × 20 = 23, 23। 23 का क्यूब निकालिए, तब तक 23 का क्यूब 12 = 167, चेक कर लीजिएगा, देखना आप लोग भी चेक कीजिए सही है कि नहीं है। 8000 इसमें से माइनस, देखो कभी भी 1 माइनस करना होता है तो इसमें से डायरेक्ट इसको माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 6552, इसमें से इसको घटाओगे तो 4167/8000। अब यहां पे मैं यूनिट प्लेस का यूज करूंगा, ध्यान रखना। पहला ऑप्शन क्या है, 12480, दस पांच सौ दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन 14800, चौथा ऑप्शन 13620। ये ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, ठीक है। अब यहां से अगर मुझे यूनिट प्लेस से आंसर निकालना पड़ेगा तो पॉइंट हटाऊंगा, दो जीरो ये कट गए। अब ध्यान देना, ये 8 × 16 लास्ट में 60 आएगा, इधर ऊपर जाएगा ये, ठीक है। और ये 4167 वाला, क्योंकि P इधर मल्टीप्लाई में, ये वाला पार्ट नीचे आएगा, यानी यूनिट प्लेस 7 आएगा। अब 7 के पाड़े में इकाई का अंक 6 कब आता है,
ध्यान दीजिएगा, सात के पाड़े में इकाई का अंक छह कब आता है, सात अट्ठे छप्पन, तो लास्ट में अस्सी किस ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। देखिए इस क्वेश्चन का डायरेक्ट दूसरा तरीका आपको, क्योंकि फॉर्मूला आपने देखा होगा काफी लेंथी पड़ रहा था, आप पार्ट वन ध्यान से देखना। मैंने आपको बताया था कि 15% अगर ब्याज की दर है तो आप इसको क्या लिखोगे, 15 बटे 100 का मतलब 5 से काटा 5 या 15, 5 से काटोगे 20, तो 20 रुपए पे 3 रुपए ब्याज मिल रहा है, यानी 23/20 हो गया। क्लियर, इतना 23/20 है और 3 वर्ष है, तो हम क्या करेंगे, क्यूब ले देंगे। ये चीज मैंने पार्ट वन में आपको थ्योरेटिकल जो बेसिक नॉलेज दी है आपको उसमें बताई है, 23/20 का क्यूब करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। 23 का क्यूब आपने पता है 12,167, 20 का क्यूब 8,000, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 4,167, यानी हमारे अनुसार चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ रहा है 4,167, और इसके अनुसार क्वेश्चन में दिया हुआ है 6,652, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं 4,167 बराबर 6,652, और हमें मूलधन निकालना है तो मूलधन कितना है 8,000, तो 8,000 बराबर कितना 6,652/4,167 इनटू 8,000, पॉइंट से ये दो जीरो कट जाएंगे, फिर उसके बाद वही इकाई का अंक 0, 8 × 16, लास्ट में 60 और नीचे 7 है इकाई का अंक, 7 के पाड़े में इकाई का अंक 6 कब आता है, 7 × 8 = 56, यानी लास्ट में 80 देख लीजिए किस ऑप्शन में, तो 80 एक ही ऑप्शन में है, तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो इकाई अंक से आंसर कैसे टिक किए जाते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी निकालना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 12, 18,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन करवाए हैं इसके जैसे भी क्वेश्चंस। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 18,000 फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो 18,000 रुपए पे 10% के हिसाब से 3 वर्ष का निकालना है, तो 18,000 पे 10% के हिसाब से पहले वर्ष का निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 1800, फिर 1800 इसमें जोड़ देंगे तो 19,800, फिर 10% क्योंकि 3 वर्ष का निकालना है, कितना हो जाएगा ये 1980, फिर 1980 इसमें जोड़ दोगे तो 80, लास्ट में 9 और 8 17 का 7 का हासिल 1 19 और 1 20 और 1 21 इंटू 10/100। तो गाइज इसमें ये लास्ट में क्या आ गया 2178, इन तीनों को अगर आप जोड़ोगे तो लास्ट में इकाई का अंक 8, इकाई का अंक 8 देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है आपको, फोर्थ ऑप्शन में। ऑप्शन आपके सामने एक बार लिख देते हैं, पहला ऑप्शन है, अच्छा वाह, फोर्थ ऑप्शन में भी है और फर्स्ट ऑप्शन में भी है। फर्स्ट ऑप्शन में कितना है 5,628, दूसरे ऑप्शन में कितना है 5,400, थर्ड ऑप्शन में 5,940 और फोर्थ ऑप्शन में 5,958। अब आपको यहाँ इकाई का अंक 8 दो ऑप्शन में दिख रहा है, पहले में भी और चौथे में भी, फिर दूसरा अंक निकाल लीजिए 7 और 8 15, लास्ट में 5, 58 किस ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर लीजिए, 13वां क्वेश्चन, 20,000 रुपए पर 3 वर्ष के अंत में, 20,000 रुपए पर 3 वर्ष के अंत में 7,200 रुपए साधारण ब्याज उपचित होता है, उसी राशि पर उसी अवधि का उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। द सिंपल इंटरेस्ट एक्योर्ड ऑन एन अमाउंट ऑफ रुपीज 20,000 एट द एंड ऑफ 3 years इज रुपीज 7,200, वॉट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट एक्योर्ड ऑन द सेम अमाउंट एट द सेम रेट इन द सेम पीरियड। तो गाइज इस क्वेश्चन के ऊपर देखो, ये समय का अंतर वाला क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर से रिलेटेड, और समय 3 वर्ष दिया हुआ है, और ये चीज मैंने आपको बताई है कि समय बराबर 3 वर्ष है, तो पहले फॉर्मूले से करा देते हैं, फिर दूसरा तरीका देखेंगे, 100 का क्यूब बटे r स्क्वायर इनटू r प्लस 300, ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है, इनटू d, d का मतलब क्या हो गया यहां पे ci माइनस si, p का मान कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 20,000, सॉरी 100 × 100 × 100 बटे r कितना दिया हुआ है
आर तो दिए ही नहीं। अब देखो अगर आप फॉर्मूले से करोगे तो फिर जो दूसरा फॉर्मूला लिखवाया था उससे आपको आर निकालना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन लेंदी पड़ जाएगा, इसलिए फॉर्मूला छोड़ देते हैं, दूसरा तरीका देखते हैं इसमें। क्योंकि फॉर्मूला मैं क्यों छोड़ रहा हूँ ध्यान रखिए, क्योंकि लेंदी पड़ रहा है, अभी मुझे आर नहीं मिला है, क्वेश्चन में आर दे ही नहीं रखा है, और इसके बाद मैंने डी का जो फॉर्मूला लिखवाया था आपको आर बाई टू इंटू एस आई बाई हंड्रेड करके, वो वाला लेंदी फॉर्मूला, बड़ा सा फॉर्मूला, और फॉर्मूले मेरे तो याद है नहीं, आपके याद हो तो आप कर लेना, मेरे पास तो लॉजिक्स हैं, तरीके हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स है, तो मुझे फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। अब देखिए इसमें क्या करना है, 7200 रुपए 3 वर्ष में, तो दर यहां से हम आराम से निकाल सकते हैं कितनी आ जाएगी, सिंपल इंटरेस्ट की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, साधारण ब्याज दिया हुआ है कितना, 7200 रुपए, 7200 रुपए साधारण ब्याज है, तो आपको साधारण ब्याज वाले चैप्टर में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला लिखवाया गया है, आर इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, ठीक है, इस वाले से निकालते हैं आराम से, 7200 × 100 / p कितना है, 20,000 × t कितना है, 3 वर्ष, तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 1 2 3 4 तीन से काटा 24, दो से काटा 12, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई, 12%। अब ये 12% आप जो अभी फॉर्मूला लिखवाया था उसमें वैल्यू पुट करके भी आंसर निकाल सकते हो, लेकिन हम दूसरे तरीके से करेंगे, 2400, देखो 7200 रुपए 3 वर्ष का साधारण ब्याज है, तो 1 वर्ष का कितना होगा गाइस, 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 2400 रुपए, 3 वर्ष का 7200 है तो 1 वर्ष का 2400। अब दूसरे वर्ष का अगर निकालना है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो ब्याज के ऊपर ब्याज भी लगेगा, तो 2400 पे ध्यान दीजिएगा, 2400 पे 12% के हिसाब से 12 × 48 का 8 का हासिल 4, 12 दूनी 24 और 4 28, 288 ये प्लस 2400 और जुड़ जाएंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा ये, 2688 दूसरे वर्ष का ब्याज। फिर तीसरे वर्ष का भी निकालना है अभी, तो 2688 पे 12% के हिसाब से, तो 12 × 96 का 6 का हासिल 9, 12 × 96 और 9 105, तो 0.56, और यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा, आप देखो तीनों को अगर आप जोड़ोगे तो लास्ट में कहीं ना कहीं 0.56 आएगा। अब तीनों को हमें जोड़ने की जरूरत नहीं है, पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन पे ध्यान देंगे। अब ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है 8342, पहला ऑप्शन है 8342.36, दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया क्योंकि 0.56 आंसर में आ रहा है, दूसरा ऑप्शन 8098.56, तीसरा ऑप्शन 8246.16, चौथा ऑप्शन 8112.86। तो गाइज देखिए 0.56 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन में, तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 रीड कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 रीड कर लीजिए, 8000 रुपए का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक रूप में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ रुपीज 8000 आफ्टर 2 years 4 months एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। ये क्वेश्चन मैंने आपको पार्ट वन में करवा रखा है, लेकिन फिर भी दोबारा यहां से यहां पे भी करवा देते हैं आपको, कि 2 वर्ष 4 माह है, तो 2 वर्ष तो ये पूरे पूरे हो गए, और 4 माह जो है ये 1 वर्ष का कितना भाग हुआ, तो 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं गाइस, 12 महीने, तो 4 महीने 12 महीने का कितना भाग हुआ, 1/3 भाग, तो जो दर होगी इसके लिए वो 1/3 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में दर कितनी दे रखी है, 15%, तो इस 1/3 वर्ष के लिए कितनी हो जाएगी, 5%, यानी 2 वर्ष के बाद जो 1/3 ईयर होगा उसके लिए दर कितनी लोगे आप, 5%, और पहले 2 वर्ष के लिए निकाल लीजिए, 8000 रुपए पर 15% के हिसाब से पहले वर्ष का साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होते हैं, 15 × 8 = 120 कितना हो जाएगा, 1200 रुपए, 1200 रुपए आप इसमें जोड़ दोगे, 9200 पे फिर आप 15% निकालोगे, 15 × 30 की 0 हासिल लगे, 3 × 15 = 135 और 3 = 138, 1380 आप इसमें जोड़,
छोड़ दोगे तो 10,580 रुपए पे। फिर अब 15% नहीं लेना है क्योंकि वन थर्ड ईयर है, वन थर्ड ईयर के लिए दर कितनी है 5%। तो आप यहाँ पे 5% लेकर के सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को। 0, 5 दूनी 10, 2 से काटोगे 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 1, 2 नमे 18, यानी 539 रुपए। और जब आप इनको जोड़ोगे तो लास्ट में इकाई का अंक 9 आएगा। इकाई का अंक 9 देख लीजिए गाइस किस ऑप्शन में दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है 2980, फर्स्ट ऑप्शन 2980, सेकंड ऑप्शन है आपका 3091, तीसरा ऑप्शन 3109 और फोर्थ ऑप्शन 3100। तो इकाई का अंक 9 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 रीड कर लीजिए। किसी धनराशि के 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपए है, वह धनराशि कितनी है? The difference between the compound interest and simple interest on a certain sum at 10% per annum for 2 years is rupees 40. Find the sum. आपको मूलधन ज्ञात करना है। Simple question, verbally बिना कॉपी पेन के आप कर सकते हो। 10% के हिसाब से 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा guys? 20%। और चक्रवृद्धि ब्याज मैंने आपको बताया था 10% के हिसाब से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना बैठता है? 21%। दोनों में कितने का अंतर हुआ है? 1% का। और 1% बराबर 40 रुपए, तो 100% बराबर कितना? 4000 रुपए क्वेश्चन आ जाएगा गाइस, आंसर आ जाएगा इसका 4000 रुपए। अब इसको लिख भी देते हैं, कई स्टूडेंट के तो सर के ऊपर से जा रहा होगा कि हो क्या रहा है ये। कोई नहीं, आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो, दोबारा देख सकते हो, तिबारा देख सकते हो, लेकिन कोशिश करनी है आपको शॉर्टकट ट्रिक्स ही सीखनी है, क्योंकि लेंथी तरीके आप करोगे तो कंपटीशन एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अब देख लेते हैं इसका 10% के हिसाब से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो गया? 20%। और चक्रवृद्धि ब्याज मैंने आपको बताया 10 + 10 × 10/100, ये चीज मैंने आपको बता रखी है कि इसका 10% के हिसाब से रट लीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आता है 10% वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दी होती है कंपटीशन एग्जाम्स में। तो ये कितना हो गया? 21%। दोनों में कितने का अंतर हो गया? 1% का। और इसने दोनों में अंतर दिया हुआ है 1% बराबर 40, तो 100% बराबर कितना? 4000। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ लीजिए ध्यान से। Find the compound interest on rupees 6000 for 1.5 years at the rate of 10% per annum if interest is compounded yearly. 6000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो? तो 1.5 वर्ष का ब्याज निकालना है, वार्षिक संयोजित है, तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई भारी क्वेश्चन नहीं है। पहले 1 वर्ष का निकाल लीजिए, फिर आधे वर्ष का निकाल लेंगे। 1 वर्ष का कितना आ जाएगा? 6000 रुपए पे 10% के हिसाब से 600 रुपए। उसके बाद 10% अगर दर है तो आधे साल के लिए कितनी होगी गाइस? 5%। अब क्योंकि 1.5 वर्ष का निकालना है, 1 वर्ष का हम निकाल चुके हैं, आधे वर्ष का निकालना बाकी है, तो आधे वर्ष के लिए कितना आ जाएगा? 600 इसमें जोड़ दीजिए 6600, और 6600 पे आप 5% के हिसाब से ब्याज निकाल लीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 5×30 की 0 हासिल 3, 5×30 और 3×33, और इन दोनों को आप जोड़ोगे तो 6 और 3 930 रुपए। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 930 रुपए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर ठोक देना दोस्तों। क्वेश्चन है आज डियर फ्रेंड्स, आप मुझसे मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल आप सर्च करोगे अरविंद कौशिक मैथ्स क्लब के नाम से, उसके बाद आप फेसबुक अकाउंट पे भी जुड़ सकते हैं सेम नेम से, अरविंद कौशिक मैथ्स के नाम से फेसबुक पे भी पेज भी मिलेगा आपको, और अरविंद कौशिक मैथ्स क्लब के नाम से ही ग्रुप भी है। द विजन कोचिंग सेंटर के नाम से भी ग्रुप है, और द विजन कोचिंग सेंटर का पेज है, उसके नाम से भी आप जुड़ सकते हैं। कोई भी आपके डाउट है आप मेरे को व्हाट्सएप पे अपना डाउट भेज सकते हैं। आपके जो भी डाउट होंगे वो आपको वीडियो के रूप में मिल जाएंगे, व्हाट्सएप पे मिल जाए या फिर फेसबुक पे मिल जाए या फिर यूट्यूब पे मिल जाए, जैसे भी पॉसिबल होगा उस तरीके से मैं आपके डाउट्स के सॉल्यूशन दे दूंगा। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। जो एप्लीकेशन पे भी स्टूडेंट्स हैं उनसे भी अनुरोध है कि एक बार यूट्यूब पे जाकर के मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको एप्लीकेशन में क्या है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ मिल
मिल रहा है, जितना सिलेबस में लिखा है उतना आपको मिल रहा है। लेकिन जैसे अगर पुराने पेपर्स के सॉल्यूशन है, जैसे मान लीजिए राजस्थान एलडीसी का पेपर सॉल्यूशन, वो मैंने पुराने, आप मेरे वीडियोस देखोगे तो मैंने सॉल्व करके डाल रखे हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के पेपर, उसके बाद रीट लेवल 1 लेवल 2 के पेपर्स, आप उनको देखोगे कि हाँ जो पुराने पेपर्स आए हैं और जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं वो मिलते जुलते हैं कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सर जो क्वेश्चंस कराए और रहे हैं वो पेपर में आते ही नहीं है, क्योंकि आपको ये कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है कि जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, जिस बुक से करवा रहा हूं, वो आपके लिए बिल्कुल सही बुक है। तो इसलिए सबसे पहले आप जाकर के YouTube पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पुरानी वीडियोज हैं, पेपर्स हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स की भी वीडियोज हैं, मल्टीप्लाई की ट्रिक्स, स्क्वायर स्क्वायर रूट की ट्रिक्स, वो आप चेक कर लीजिए।